भोजपुर पुलिस ने नक्सली कांड में संलिप्त भाकपा माले के पूर्व सचिव को गिरफ्तार किया। भाकपा माले के पूर्व सचिव विनोद मिश्रा को नक्सली कांड के आरोपी भोजपुर पुलिस की गठित टीम ने गढ़नी बाजार में छापेमारी कर धर दबोचा। पकड़ा गया विनोद पर भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि चरपुखरी थाना में कई कांड दर्ज हैं। इसके अलावा हथियारों की तस्करी के मामले में जगदीशपुर तथा चरपुखरी थाना में भी उसके खिलाफ मामला चल रहा है। एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर चरपुखरी थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा ने नक्सली कांड में संलिप्त रहने वाले विनोद मिश्र को मंगलवार की सुबह गढ़नी बाजार से धर दबोचा। उन्होंने बताया कि हथियार की तस्करी के मामले में चरपुखरी थाना में 2016 में सशस्त्र अधिनियम सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था। वहीं 2012-13 में हथियार की तस्करी में जगदीशपुर थाने में वांछित है। भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि 2016 से ही नक्सली कांड में आरोपी विनोद मिश्रा फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी 7 साल बाद पुलिस ने गढ़नी बाजार से की। चरपुखरी थाना अंतर्गत है। चरपुखरी थाना के एक कांड 2016 का लंबित चल रहा था, एक फिरारी था जो पहले भाकपा माले से संबंधित जो नक्सल क्षेत्रों में एक्टिव लोग रहते थे, उसी नक्सल में से एक जो यूएपीए एक्ट जिसमें लगा हुआ है और 17 CL एक्ट लगा हुआ है, और ये अभियुक्त 2016 से जो है चरपुखरी थाना कांड संख्या 120 का अभियुक्त था और ये फरार चल रहा था, जिसका नाम विनोद मिश्रा, पिता स्वर्गीय रामप्रसाद मिश्रा है, पहाड़पुर थाना गढ़नी कराने वाला है। तो ये लगातार फिरार चल रहा था 2016 से, तो करीब लगभग 7 साल बाद जो है इसकी गिरफ्तारी की सुनिश्चित की गई है। अब इसका हम लोग आगे अभी इसको सत्यापित कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ इसकी एक्टिविटी थी, वर्तमान में ये एक्टिव था कि नहीं था, इसी कड़ी में जो है आगे इसका अनुसंधान में सारी चीज़ें लाई जाएंगी। और इस तरीके से भोजपुर पुलिस की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि 2016 के जो नक्सली कांड के जो अभियुक्त जो था विनोद मिश्रा, उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है सर? इसकी गिरफ्तारी यही गुप्त सूचना के आधार पर अपने क्षेत्र में जा रहा था, ग्रामीण क्षेत्र में, तो वहीं से कल कुछ गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि बीच में ये यहाँ नहीं रहता था, लेकिन इस समय आया हुआ है, चोरी छुपे रह रहा है। तो थानाध्यक्ष ने जो है अपना गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और इसकी गिरफ्तारी की है।